दोनों क्वेश्चन करने के बाद हमें ये पता चल गया है कि प्योर फॉर्म कौन सी होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, प्लस x प्लस टू ओवर x प्लस थ्री इज इक्वल टू 25/12। फ्रेंड्स ये हमारे पास क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इसमें भी क्या है, सबसे पहले इसका क्या लेंगे एलसीएम, x प्लस टू ओवर x प्लस थ्री, सेम वैल्यू से कैंसिल और ये वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x प्लस थ्री सेम वैल्यू से कैंसिल और ये ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 25/12 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो प्लस थ्री एक्स, टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स और टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स ओवर 25/12 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वन एक्स फोर एक्स फाइव एंड सिक्स एक्स सेवन एंड एट एक्स, हमारे पास एट एक्स आ गया, उसके बाद थ्री है और फोर है, आंसर आ गया सेवन ओवर एक्स स्क्वायर, थ्री में टू प्लस करें तो फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 25/12। ये हमारे पास आ गया यहाँ तक इसका आंसर। अब ये जो हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर आया है इसको हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 65 का 30 एंड 6 का 12 13 14 एंड 15। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये वैल्यू उठा के हम इस क्या करेंगे इस तरफ ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू उस तरफ ले जाएंगे, तो हम इस वैल्यू को इधर ही रहने देते हैं, ये 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 है, इस वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाते हैं माइनस 24, आपकी अपनी मर्जी होती है क्या कर लें, लेकिन मैं x स्क्वायर की वैल्यू को पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इस वैल्यू को उठा के इस तरफ ले गया क्योंकि 25 बड़ा है और 24 छोटा है, माइनस 96x माइनस 84 ये क्या आ जाएगी जी हमारे पास यहाँ तक। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25 एंड 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर 125 एंड 96 है 125 एंड 96, इसको मैं माइनस करेंगे तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और 11 में से 9 तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 29x 150 में से 84 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 एंड 14 में से 8 बाकी 6, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या बन गया, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर आया हमारा ये किसका आया है स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। अब तक आपको डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा कि वो टर्म जिसमें थ्री वैल्यू आए वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें टू टर्म्स आए वो हमारी प्योर फॉर्म होती है, और इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।